बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से है। जिन हजरात को मर्दाना बांझपन है, मेल स्पर्म डेड है, एक्टिव स्पर्म कम है, सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में उनकी रिपोर्ट में 5 सेल की ज्यादती है, 5 सेल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन हजरात के लिए वीडियो है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। मेल इनफर्टिलिटी, इसमें कई वजूहात हो सकती हैं। ख़ानदानी मसला भी बन सकता है, इसको किसी हद तक मौरूसी बीमारी भी कह सकते हैं और नेचुरली भी कह सकते हैं, और बाज़ गलतकारियों की वजह से भी मेल स्पर्म कम हो जाते हैं। अगर आप गर्म खुश्क इलाके में रहते हैं, जहाँ पर मौसम ज़्यादा गर्म खुश्क रहता है, तो वहाँ पे अगर गजाएं भी आप गर्म खुश खाते हैं तो फिर भी स्पर्म आपके डेड हो सकते हैं। या अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, और गर्म चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से भी, ज़्यादा गर्मी से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी स्पर्म डेड हो सकते हैं। अब जिन हजरात को रिपोर्ट में 5 सेल आते हैं, 5 सेल ये समझ लें कि आपके RBC, WBC, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल आपके 5 सेल में हैं, मतलब कि आपकी प्रोटीन्स हैं जो कच्ची, यानी कि इसको हम अपनी हिकमत की ज़बान में मजी कहेंगे, आपकी मजी खारिज हो रही है स्पर्म में, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो ये उन हजरात को होता है जिनका वेट ज़्यादा होता है, मतलब कि एक आइडियल वेट जो है 6 फुट अगर आपकी हाइट है तो आइडियल वेट 72 kg है। अगर आपका 72 kg से ज़्यादा वेट है तो आपके साथ 5 सेल का भी मसला हो सकता है। और बाज़ का वक्ती तौर पे भी होता है, आप दूध घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जो चिकनाहट वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, दूध से बनी हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भी 5 सेल आपके बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी 5 सेल इंशाल्लाह ख़त्म होंगे रिपोर्ट में और आपके स्पर्म भी बढ़ेंगे। तो इसके लिए मेरा एक ट्रीटमेंट है, इस हवाले से, मेरी इनफर्टिलिटी के हवाले से आप मेरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। ओके, शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।